Hey guys, hi, I'm Blair. ये देखिए यहाँ पे मकान बन रहे हैं. नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. आई थिंक ये 30 या 35 मकानों का है जिस मेरे मकान के आगे है. और जिसको लेना वो देख सकता है. 35 हाउसेस बन रहे हैं यहाँ पे. 70 लाख इन्होंने रेट रखा है और 1200 स्क्वायर फुट में है. और ये बना के दे रहे हैं 2000. तो 2000 स्क्वायर फुट बना के दे रहे हैं. 1200 स्क्वायर फुट लैंड एरिया है. 70 लाख रेट है. जिसको इंक्वायरी चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं बता दूंगी आप लोगों को. और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ. आज है मंडे मॉर्निंग. कल रात में हम वापस आए 11:30 बज गया था. उसके बाद में थोड़ा बहुत काम करके बैग लगा के सो गए थे हम लोग. और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है. मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे पेट में इस तरीके का दर्द क्यों हो रहा है. जैसे अंदर कुछ चीरा लगा हो. मतलब ये दर्द अजीब तरीके का दर्द है. अंदर फील हो रहा है कि कुछ चीरा लगा हुआ है या फिर कुछ पक गया है. मुझे समझ ही नहीं आ रहा. मतलब जैसे अजीब सा दर्द हो रहा है कि अंदर से कुछ यूं आ रहा है. पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो कुछ नहीं किया हमने. सुबह उठे थे और धीरे धीरे फिर सुबह उठी थी तब से पेट बिल्कुल सही था. पापा ने मुझे फ़ोन भी किया 9 बजे कि बेटा दर्द सही है. हमने बोला हाँ पापा सही है. लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ता चला गया. अभी थोड़ा सा और तेज़ होने लगा. मुझे पता है दिन भर पेट ऐसा हो जाता है. इतना ज़्यादा टाइट, इतना ज़्यादा फूल रहा है, मैं बता नहीं सकती. बड़ा परेशान थी. मैंने कहा नहीं यार चलो. फिर डॉक्टर को अपने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ आ गया है. तो हमने कहा चलो दिखा लेते हैं. ये देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही चले आए. और आजकल सच में सर्दियों में सीरम आप लोग ज़रूर लगाइए. बिकॉज सीरम लगाने से ना फेस बहुत ज़्यादा शाइन भी करता है और स्किन भी बहुत अच्छी रह रही है. मैंने सिर्फ और सिर्फ सीरम लगाया, कुछ नहीं किया. और मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है सीरम. और ये देखो गोल्ड वाला भी और दूसरा वाला भी लगाती हूँ मैं. वो भी पहले लगाया, वो भी काफ़ी अच्छा. आज तो अभी तो वही वाला लगा के आई. जो मेरा गोल्ड वाला सीरम है वो बैग में रखा हुआ था. अच्छा लगा तो निकल गया. ये देखो ये भी आजकल वही सीरम लगाते हैं. और सच में सीरम ना इतना ज़्यादा हाइड्रेट कर रहा है स्किन को. मज़ा आ रहा है मुझे लगाने में. और कोल्ड क्रीम से आपका पीछा छूट जाएगा. ये कोई यार कुरियर तो नहीं आने वाला था. हाँ मे भी शायद फ़ोन आ जाएगा. तो चलो चलते हैं. गर्मी तो सच में बहुत ज़्यादा हो रही है. बता धूप इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली. मैंने सिर्फ टी शर्ट डाली हुई है, कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहना है. गन्नू को कैप लगा दी है बस. बच्चों के लिए तो जानते हैं आप हैं, हर मौसम धूप का ही है अभी तो. हाँ सारे फोन अभी दवा खाते हैं. तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ से भी दवा लेके निकले हैं. और फिर भाभी के एक पैकेट आ गया था, वो लिया हमने. हाँ बेटू आप चलो दूध पियोगे ना. अब बाबू दूध पिएगा. क्या मांग रहा है? दूध ही मांग रहा है ना. हाँ आपको भूख लगी तो क्यों नहीं. अरे बहुत परेशान हो जाते हैं. पता है पहले ठीक था, ये बाहर निकलते थे, गाड़ी रोकते थे कुछ. और अभी पता है क्या हाल है. ये अभी सीट पर लगाती हूँ मैं. जैसे ही गाड़ी रोकते हैं तुरंत इसको लगता है डैडी के पास जाना है. पहले बहुत सही था, कैसे भी लेके इनको बैठे रहो, कहीं भी चले जाओ, डॉक्टर के यहाँ भी. और अभी इसके साथ ये भी दिक्कत है, मेरी गोद में ही रहता है. मेरा पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा मेरा पेट चढ़ा है. मतलब इतना ज़्यादा स्वेलिंग है. वही मैंने उनसे बोला तो कह लगे कि बेटा दिक्कत की कोई बात नहीं है, लीवर फैटी है, इस वजह से मे भी शायद दिक्कत आ रही है. तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी मुझे लिख के दी है. और मेरा सिर्फ पेट इसी वजह से निकला हुआ है, बाकी कहीं का कोई वेट आपने देखा होगा नहीं बढ़ा है. धीरे धीरे मुझे डार्क सर्कल्स होने लगे हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है. रात भर हम जगते रहते हैं. और कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी थोड़ा सा है जो आ जाता है. और बस मतलब सही बता रही हूँ, इतना ज़्यादा पेट में. और इसकी आदत ऐसी हो गई है, ये बिल्कुल भी अब किसी की गोद में जल्दी नहीं जाता है. खेलेगा कूदेगा जाएगा थोड़ी देर के लिए, और इनके पास भी नहीं जा रहा है. डॉक्टर के वहाँ जब तक बैठे रहे मैं ही लेके बैठी रहूँ. और कोलेस्ट्रॉल मेरे ख्याल से लीवर फैटी होता है तो ऐसा भी होता है कि ज़्यादा आपको बैठना भी नहीं चाहिए. थोड़ा सा लेट ही रहोगे तो ठीक है. और हालत बड़ी ख़राब है. मतलब मुझे रिकवर होने में 1 हफ्ता लगेगा, मुझे ऐसा फील होने लगा है. और रेस्ट की बात ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा रेस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी रेस्ट ही करूँगी मैं. और बड़ा परेशान हो गए हैं अपनी लाइफ से. और अभी हमने नाश्ता किया क्योंकि नाश्ता ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे. तो सिर्फ ढोकला खाया था क्योंकि ये था कि ढोकला हाँ ठीक है थोड़ा हेल्दी है.
हमने कहा ढोकला खा लेते हैं, तो हमने कलेवा पे बस ढोकला खाया और मिठाई थोड़ी सी पैक कराई थी। बस ऐसे ही कभी कभार होता है, खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, मिठाई पैक करा ली और बस ये इसका पता नहीं आज क्या है, मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। अभी जा रहे हैं घर की तरफ, इसके बाद में घर पे करेंगे काम थोड़े बहुत। और जब पता है औरतों के साथ ही होता है, जब घर के काम पड़े रहते हैं, अब जैसे कल हम आए हैं वापस, सामान सारा खुला पड़ा हुआ है, उसको सही से लगाना है, कपड़े जो यूज़ हो गए हैं जो हमने पहने हैं उनको धोने में डालने हैं, और जो नहीं पहने हैं वो सारे तय करके अलमारी में लगा देने हैं, बैग हटाना है, बड़े सारे काम हो जाते हैं। और उन सारे कामों के बीच में आराम करने का, तो शाम में फुर्सत पाती हूँ तो लगता है कि 10-15-20 मिनट के लिए आराम कर लूँ, फिर ऑब्वियसली वीडियोस एडिट करना, थोड़ा सा बनाना, वो भी मेरे को बड़ा, वो भी नहीं करती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ खाली खालीपन सा लगता है कि नहीं यार वो काम भी बहुत ज़रूरी है, वो भी करती हूँ। क्योंकि जब आपके अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती रहती हूँ, दिमाग चलाती रहती हूँ, कुछ करूँ, क्या पता आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आपको भी नहीं पता, तो कुछ करने के चलता है। तो अभी हम ऑफिस आए हैं, ऑफिस में एक्चुअली आज मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, जल्दी आपको दिखाएंगे, ये लो। तो चलो आते हैं अभी। मैं आ गई किचन में और डॉक्टर ने जैसे जो बताया वो मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी। और उसके साथ ही साथ एक बात तो बिल्कुल पक्की वाली है कि हम लेडीज़ आधे से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी किचन में बिता देती हैं, अब तो मेरे साथ भी यही है। मतलब बीच में एक साल ऐसा हुआ कि हाँ गन्नू था तो मैंने बहुत किचन से थोड़ी दूरी बन गई थी मेरी, लेकिन अब मैं किचन में रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना किचन खुद से सजाना, अपना किचन साफ करके रखना सारी चीज़ें। और जरा सा गंदा भी रहता तो मुझे पता है ये थोड़ी देर का गंदा है, बट उन लोगों के साथ तो पूरा किचन बहुत गंदा रहता था। और धीरे धीरे अभी ये हो रहा है कि पता है यार तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसीलिए डॉक्टर ने मेरे मल्टीविटामिन्स दिया है मुझे। और इसके अलावा आपने देखा होगा मेरे लास्ट के लास्ट ब्लॉग में मैं एक ड्रिंक पी रही थी, आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे मैं कौन सी ड्रिंक पी रही हूँ, तो ये जो ड्रिंक मैं पी रही हूँ मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो वो ड्रिंक है ये ओजीवा का नया प्लांट बेस्ड कॉलेजन बिल्डर है ये, और बेस्ट पार्ट इसका यही है कि ये है एंटी एजिंग ब्यूटी है ना, और इसमें आपको स्किन रिपेयर होती है, रीजनरेट होती है। आप आजकल देख रहे हो कि मेरी स्किन पे ग्लो बहुत रहता है, ये ग्लो जो आपकी स्किन का होता है ना एक चीज़ का नहीं होता, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का रहता है, आपके खाने पीने का, आपके, जबकि आपको पता है मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पा रही हूँ, मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, ये किसी वीकनेस की वजह से नहीं है, ये नींद ना प्रॉपर लेने की वजह से। एज ए मदर आप अपनी नींद कभी पूरी नहीं कर पाओगे जब तक आपका बेबी 3 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद भी ये रहता है ना रात में, अभी तो हम दोनों रात में जगते रहते हैं तो डार्क सर्कल्स तो उसी की देन है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे ही जाएंगे। लेकिन आपकी एक स्किन पे आप देख रहे हो मेरी एज के हिसाब से मेरी स्किन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप जो बाहर से कुछ करते हो बट ज़रूरी है कि आप अंदर से भी कुछ अच्छी चीज़ें ले रहे हो कि आपकी स्किन आपके हेयर अच्छे हों, तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया है ओजीवा का प्लांट बेस्ड कॉलेजन बिल्डर। और बेस्ट पार्ट इसका ये इसमें विटामिन सी है 45 mg, सिलिका है 70 mg और बायोटीन है 630 mcg। आपको पता है बायोटीन जो है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बायोटीन की जो मात्रा होती है वो एक रेशियो में ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्किन रिपेयर और रीजनरेट करता है, एंटी एजिंग ब्यूटी है। और इसके साथ ही साथ ये इसको जो सुपर जो अमेजिंग बनाते हैं वो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप ये इसके बारे में डीप में मैं भी आपको बताऊंगी, इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ, साथ ही साथ बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। आप इसे मॉर्निंग में भी ले सकते हो, नाश्ता करने के बाद भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसे शाम के टाइम पे ले सकते हो, जैसे कि मैं शाम के टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ओजीवा का आपको पता है कि मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब मेरी बॉडी पे असर दिखता है उसका, सच बता रही हूँ, बिकॉज आप खुद देख रहे हो मेरी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, अगर मैंने ये सब चीज़ें नहीं ली होती तो मेरी रिपोर्ट्स तो बड़ी बेकार आने वाली थी, क्योंकि जितना मैं बाहर का भी थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ। और इसका एक चम्मच आपको इसमें आपको एक छोटा सा स्पून मिलेगा जिसको आपको निकालना है, आपको 2 चम्मच इसमें डालने हैं, पानी में डाल सकते हैं, मैं हल्के गुनगुने पानी में इसको लेती हूँ और उसके बाद में आप मिलाइए और इन्जॉय करिए। जो ये है ये प्लांट बेस्ड होता है, इसको एक सेकेंड बराबर कर दूँ मैं, अब मैं दिखाती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्किन को अच्छा रखने के लिए कोलेजन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जो कोलेजन एक ग्लू की तरह एक्ट करता है जो हमारे सेल्स को बांध के रखता है और हमारी जो स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और जो इलास्टिसिटी देता है एंड हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन को। कोलेजन प्रोडक्शन जो होता है वो 20 की एज के बाद ना 1% डिक्रीज़ होता है हर साल, और इस चीज़ को डिले करने के लिए क्या करना होता है, हमें अपनी डाइट में कोलेजन लेना होता है। सबसे
इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप है, अगर हमें अपनी स्किन को रिंकल्स और लूज स्किन एजिंग से प्रिवेंट करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप कोलेजन लो। लेकिन जितने भी मार्केट में कोलेजन आते हैं वो एनिमल डिराइव्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। इसी वजह से ओजिवा ने जो ये निकाला है, ओजिवा ने इंडिया का सबसे पहला ये वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड कोलेजन बूस्टर फॉर एंटी एजिंग बनाया है, ताकि आप 20 की एज के बाद इसे आराम से ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। और ये आपका जो कोलेजन है वो बूस्ट करता है प्रोडक्शन, उसका नेचुरल वे में बढ़ाता है और आपको जो डिले स्किन एजिंग करता है, साथ ही साथ रिंकल्स आपका हटाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सुपर हेल्दी बनाता है, नरिश स्किन देता है और फुल बॉडी रेडियंस करता है, मतलब आपकी पूरी बॉडी की स्किन को ये अच्छा बनाता है। और ये जो बेस्ड होता है ना, एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट है इसमें एकाई बेरी, सी बक्टम और एसेसबेनिया एगाटी और बैम्बो शूट एक्सेट्रा। कोलेजन बिल्डर 8 एंटी एजिंग कंटेन करता है और 10 प्रोटीन कोलेजन सुपर फूड उसमें आपको मिलेंगे और 3 स्टैंडर्डाइज होल फूड वाइटामिन एक्सट्रैक्ट मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए अभी हो गई शाम और हम लोग डॉक्टर के पास से वापस आ गए थे। ये देखो क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो? अप्पा पापा आ रहे हैं, अभी खा लीजिए। क्या खा रहे हो? इसको नान खटाई बहुत पसंद है, ये खाते हैं तो इसको भी खिलाते हैं और धीरे धीरे हमने इसकी आदत डाली है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ खाता है। और हाँ खा लीजिए अभी। और शाम से ये हुआ, वहाँ से जब डॉक्टर के पास से आए ना तो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और गन्नू का भी ये है ना कि गन्नू बिल्कुल नहीं उतरता है, अभी कैसे तैसे इसको इस पर बिठा लें, पता नहीं क्या हो जाता है। कभी कभार बच्चों का हो जाता है, सर्दियाँ भी हैं तो बच्चों को लगता है कि मम्मी पापा के पास रहेंगे, चिपक के रहेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। एक ये रीज़न भी रहता है कि हाँ उनको थोड़ा सा फील होता है बाहर ठंडा है तो वो चिपक के हमेशा बैठे रहते हैं। और इनकी भी तबीयत थोड़ी सी आज ठीक नहीं है। हम लोगों ने जल्दी जल्दी से काम निपटाए, खाने में सिर्फ दाल चावल बनाया था और कुछ नहीं बनाया, अगर से दाल चावल बना दिया था, चार ले लिया था तो काम हो गया। क्यों उठा रहे डैडी को? और उसके बाद ये लेते थे, मैं अपने काम कर रही थी लेकिन थोड़ी देर बाद में हिम्मत ऐसी जवाब दे गई, बिकॉज इस्नोफीलिया, मैं भूल गई थी नाम, इस्नोफीलिया है। तो इसकी वजह से पता है क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी, चक्कर सब बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगती है, तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। ये भी सो गए थे, हम भी सो गए थे, तो आंखें ऐसे देख रहे हैं आप, शक्ल की हालत ऐसी हो गई है। ऊपर से गन्नू का ये अभी है कि नहीं उतरता जल्दी बिल्कुल, मतलब जब तक अब जगता रहता है, पता नहीं क्या इसके साथ दिक्कत है। कभी कभी होता है बच्चे नहीं छोड़ना चाहते, बच्चों का भी मूड है भाई, हमारा भी अपना मूड होता है, बच्चों का भी अपना मूड होता है। अभी बनाई है मैंने चाय, चाय के साथ आज हम वहाँ से लाए थे ये जीरे वाले बिस्किट, जीरा कुकीज़, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ जीरे के बिस्किट। तो पिछली बार भी लाई थी, कहने के 2 पैकेट ले लो, मैंने कहा ये सब चीज़ें ना एक पैकेट ही ठीक है, रख के हम भूल जाते हैं फिर ख़राब हो जाएंगी। चाय का पानी पक गया है और हमारे अदरक नहीं है, अभी हमने फ्रिज में देखा सुबह में तो अदरक नहीं थी, अभी भी हम ले नहीं पाए। तो वो बैठ के ये भी नान खटाई खा रहे हैं अपनी, वो भी नान खटाई खा रहा है, तो नान खटाई खा रहे हैं, फिर खाने का देखते हैं। दाल चावल बनाया था तो थोड़ा सा दाल रखा हुआ है और बिल्कुल बॉडी, मतलब अभी ये फील लगने लगा है कि यहीं यार कोई हो जो थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, मतलब अभी बिल्कुल बॉडी जवाब दे रही है, अब काम नहीं किया जा रहा मुझसे, ये वाला हाल है, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, दूध डाल दें। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ जवे, जिसको हम बोल सकते हैं सेवई, और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा बनता है और आज हमारा ज़्यादा खाना खाने का हैवी वाला मन नहीं था। और रात में वैसे भी डिनर अभी हम थोड़ा थोड़ा तो सोचते हैं थोड़ा हल्का डिनर करा करें, ताकि पेट थोड़ा सा खाली रहता है, सही रहता है। तो इसी वजह से इनका मन भी था जवे खाने का, मेरा भी था, तो मैंने कहा बनाते हैं। तो जवे मैं सिंपल से कैसे बनाती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं बहुत टाइम बाद आज जवे बना रही हूँ। इसको सिंपल थोड़ा सा मैंने डिफाइन डाला है, इसको भूंज लेते हैं, जैसे कि अगर हम सिवई बनाते हैं मीठी वाली, उसके पहले भी हम भूंजते ही हैं
और अगर आप ऐसे जवे बनाते हो उसको भी पहले भूंज के ही बनाते हैं तो अच्छे से बनते हैं इसको, मतलब तब तक आप भूंजते रहो नॉर्मली जब तक गोल्डन ब्राउन में इनका कलर नहीं हो जाए। आप देख रहे हो धीरे धीरे इसके जो जवे के कलर है वो चेंज हो रहा है, और 700 मैंने फ्लेम रखी है, मतलब इसे धीमी आँच पर ही मैं बना रही हूँ। अगर आप तेज़ आँच कर दोगे कढ़ाई एकदम से गर्म हो जाएगी और सारे जवे जल जाएंगे, वो मज़ा नहीं आता। फिर हल्का धीमा करके आप उसे बनाइए और हमेशा चलाते रहिए, आपने अगर 2 सेकंड के लिए भी छोड़ दिया तो वो तुरंत जल जाएंगे। अब ये हो गई, इसको मैंने निकाल दिया। मैं डालूंगी यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, मैंने रिफाइंड में बना दिया, अदरवाइज सरसों में बनाती हूँ, रिफाइंड था तो उसी में लगा दिया। और इसमें इसको बेसिकली जो छौंकते हैं वो अजवाइन से छौंकते हैं, अजवाइन और जीरे से छौंका जाता है। और इसमें साथ में मैंने ये डाली है थोड़ी सी चने की दाल धुल के, तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो उसमें हल्की सी चने की दाल डाल देते हो तो क्रिस्पी भी आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, तो इस वजह से मैं डालती रहती हूँ। और अजवाइन का जो इसमें टेस्ट आता है ना, छौंका जो लगता है वो अजवाइन का ही छौंका लगता है, वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब भी इसके बाद मैं थोड़ा सा ये जैसे ही ब्राउन हो जाएगा ना उसमें मैं डालूँगी प्याज। इसमें टमाटर नहीं पड़ता है तो टमाटर तो डालना ही नहीं है, इसमें डाला है मैंने प्याज। और प्याज को हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा भूंज के, फिर इसमें मैंने पहले से काट के रखे हैं आलू बहुत पतले पतले से, और साथ में मटर। और आलू को इतना पतला पतला से कर दिया है कि जल्दी से वो पक जाएगा, और ज़्यादा मोटा आलू मुझे पसंद भी नहीं आता है। और अभी जैसे कि ये प्याज है फ्राई हो गया है, ये इसमें मैंने डाला आलू, आलू का थोड़ा सा चला के अभी मैं इसमें डालूँगी मटर, और हल्का सा इसमें चाहे तो आप नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल ऐसे ही पकाऊंगी, क्योंकि अभी से अगर पानी डाल देंगे ना तो वो टेस्ट मज़ा नहीं आएगा। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से भुंज जाएगा तो इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी और उसके बाद में पानी डाल के पका देंगे। तो अब भी 700 फ्लेम है, फ्लेम नहीं बढ़ा कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। आलू मेरे थोड़े से अच्छे से पक जाएंगे फिर पानी डाल के जवे डालने, बट जवे डालने के साथ में बहुत देखना पड़ता है क्योंकि जवे ऐसे है ना, अगर आपने कम पानी छोड़ा तो जवे को पानी नहीं मिलेगा तो वो कच्चे रह जाएंगे, तो जो उसका पानी का अनुपात है ना बहुत देखना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैं आके यहाँ बैठ गई क्योंकि मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, बीच बीच में एक दो बार ये भी चला के आ जा रहे थे और एक दो बार मैं चला के आ जा रही थी, और गन्नू मस्ती करने के मूड में था और वो यही करता, वो यहाँ बैठ के मुझसे कह रहा था मम्मा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो ऐसे करके आप कितना भी थके हो कितना भी थके हो लेकिन बच्चे के सामने बिल्कुल फील नहीं होता कि हम थके हैं। इसको एक पैजामा पहनाने के लिए मैं इतनी देर से परेशान थी, मैंने पिलो ही इसलिए रखी थी कि गन्नू लेट जाओ बेटा मालिश करेंगे आप आओ पैजामा पहन लो अपना, लेकिन नहीं वो अपना उसने जो पैजामा पहना है वो उसी में ही मस्त रहता है। और यहाँ पे मैंने ये दरी इस तरीके से फोल्ड करके डाल दी है क्योंकि जो हमने कालीन डाली थी ना उसमें जो गंदगी गिर जाती थी तो उसको बार बार साफ़ करना उठा के बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो 2 दिन से हम क्या करेंगे जो दरी हमने मंगाई है ना हम वो दरी डाल देते हैं, और इस टाइम हम लोग पता नहीं क्या टीवी में देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। और वो पिलो, पिलो का ये दुश्मन है ये जान लो, सोफ़े पे अगर आपने कुशन रखे हैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उठा के नीचे फेंक देता है, खड़ा हो जाता है टंके उसके बाद में नीचे फेंक देता है। और अब मैं जा रही हूँ चलाने के लिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि बीच बीच में आप चलाते रहोगे, और अभी एक तरफ वो पक रहे हैं एक तरफ हम यहाँ बैठे हैं, और मेरे ख्याल से ये देखो आया भाग के। और जैसे ही मैं बाहर किचन की तरफ जाती हूँ ना वैसे ही मेरे पीछे पीछे तुरंत आके रोना शुरू हो जाता है इसका। और ये जैसे आप देख रहे हो ना अच्छे से आलू मेरे पक चुके हैं, और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मसाला। मसाले में मैं इसमें डालूँगी सिर्फ थोड़ी सी हल्दी, सॉरी कैमरे का अंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी हल्दी और कश्मीरी मिर्च। हाँ गरम मसाला वगैरह इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ हल्दी और कश्मीरी मिर्च डाली है। और आज मैंने वैसी वाली मिर्च नहीं डाली थी जानबूझ के क्योंकि गन्नू को खाना था, मैंने कहा मैं आज इसमें हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ। तो और फ्लेम काफ़ी धीमी कर दी थी मैंने 350, क्योंकि मैं उधर फिल्टर से पानी निकाल ली थी, मुझे लगा जल नहीं जाएगा क्योंकि आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं। और ये पानी मैं डाल दी हूँ, अब पानी थोड़ा सा देख के आप डालो कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया था तो मुझे पकाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और अदरवाइज़ आप पानी देख के अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लगता है कभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो ये देखिए मैं ना थोड़ा सा फ्लेम मैंने हाई करी और वो पानी ना सूखने के लिए छोड़ दिया था तो थोड़ा सा पानी जल गया। फिर मैंने इसमें डाले हैं जवे, और उसके बाद में ये जवे हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। बस 5 मिनट आपको और, एक बार आप आइए चला दीजिए इसको
उसके बाद नॉर्मली इसको बंद करके ढक के रख देने हैं, और जब आप 5 मिनट बाद खोलोगे ना तो जरूर बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो हमारा डिनर जो है वो तैयार हो गया है अच्छा वाला, और आगे आपको दिखाते हैं बना कैसे है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद बनाया तो मेरे को इतना समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसा बना होगा। चल जैसे ही मैं आती हूँ ऐसे ही भाग आता है रोते रोते। चलो उठो, खड़े हो कि चला करो यार, तुम इतने आलसी हो। खड़े हो, मम्मा का हाथ पकड़ो, खड़े हो, खड़े हो, गुड बॉय। इसे उठाइए सर, बस पक गया, ऑलमोस्ट बस 5 मिनट और लगेगा। बाय बाय, पापा जा रहे हैं, बाय जा रहे, पापा जा रहे हैं, बाय कर लो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, भाग के जाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब जाएगा। हाँ 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 गन्नू खाएगा, ये देखो बन के तैयार होगी। मुझे पता है शायद आज बहुत अच्छी नहीं बनी होगी, क्योंकि बस ऐसे ही पता नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद अच्छी नहीं बनी है। और आज मैंने जानबूझ के इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि पता क्या होता है, मुझे लग रहा था अगर ये थोड़ा बहुत भी खाएगा तो खा लेगा, तो मैंने बिल्कुल भी हरी मिर्च नहीं डाली है। खा लो, ये क्या है, बहुत बदमाश हो गया है। हेलो, अच्छा मामा खा रही है, पहले मम्मा खाए, चम्मच से खाएगा। देखो देखो मामा खा रही है, बटर बटर अच्छी बनी है, बटर मुझे लगा था शायद नहीं अच्छी होगी, बट ये लो, लो मम्मा खिला, मामा खा लो। हर टाइम बस मम्मा, थैंक यू बेटा, अब आप खा लो, मम्मा खिलाइए अब। अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी है, अच्छा लगा, अच्छा लगा भी, खा लेंगे। चलो अब हम लोग खाते हैं, और कभी कभी ऐसा लाइट सा करने का मन करता है, तो कैसा बना? अच्छा बना, अच्छा बना है, मतलब मुझे लगा था कि शायद नहीं अच्छा होगा, बट अच्छा है। चने की दाल नहीं खिलाना इसको बस। अब आप, आपकी बारी। पापा की बारी, पक भी अच्छे से गया है। पापा की बारी, अब डैडी की बारी है ना, डैडी को खिलाते ही नहीं है। डैडी बारी ना, वो डैडी बारी। चलो हम लोग खा लेते हैं जल्दी से। मामा खिलाएगी आपको, मामा खिलाएगी। अच्छा है, मिर्च डाली नहीं है ना, तो ये भी खा रहा है, और इसको चाहिए भी यही रहता, हमारी पेट से ही खाएगा। क्या क्या हो गया, दवा खा रही मम्मा? सॉरी दवा, एक मिनट, 4-4 टैबलेट्स हैं। वो वहाँ पे अपनी साइकिल पे बैठा हुआ है, तो मुझे दवा निकाल के दे रहे हैं, और अब इसको लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ तो इसलिए रो रहा है। आइए ले, आइए आइए आइए, डैडी साथ आइए, आ जाइए, आ जाइए। सॉक्स निकाल दिया आपने? आज वैसे यहाँ ठंड बहुत कम है, क्योंकि सुबह में धूप बहुत अच्छी निकली थी, बहुत अच्छी धूप थी। क्यों रो रहे थे? टाइम नहीं आ रहा। अभी आ रहे हो? अभी भी नहीं आ रहे हो? तो वही है, पर अभी एक्चुअली मैं बोला नहीं डॉक्टर ने, क्योंकि बेडरेस्ट बोला है डॉक्टर ने बाहर। हाँ रुको एक सेकेंड, हाँ ये लीजिए, देखो गन्नू दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है, ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो डॉक्टर ने बेडरेस्ट बोला है, तो बोले हैं काफ़ी जितना आराम करते हो उतना अच्छा है, और डॉक्टर ने भी आज सूजन की भी दवाई दी, बिकॉज कहीं मोटापा है ही नहीं। ये देखो इससे क्या भैया, दवा खा ले फिर आना। आपको भी खानी है ना भैया? बस हो गया। क्या चाहिए? तुम फेंकोगे इसे? ये तांबे की ग्लास है, तांबे की ग्लास,
तामे की बॉटल, उसमें पानी पी रही हैं आज काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को, एक महीना नहीं दो तीन महीना हो गया, ये देखो है नहीं ना पानी, छोड़ दो खाली है ग्लास, छोड़ दो, कुछ मिला क्या? तो अभी वही है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे व्लॉग्स मतलब कुकिंग के व्लॉग्स नहीं मिल रहे, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ। आप ये देखो, ये पता है क्या चाहिए इसको, हाँ बैठो दे रही हूँ, बैठो मैं दे रही, मैं दे रही हूँ, हम दे रहे हैं ना, आप रुको लगाने नहीं दे रहा मुझे एक मिनट के लिए भी मेरा सोचा, अब उनको तो क्या लगाने के लिए, मौसी लोगों को मुझे नहीं दे सकते हो, लाइए हटिए। ये भाई कहते थे पानी गर्म करने के लिए, रुको मैं गर्म कर दे रहा हूँ, पानी और दूध दो चीज़ें थी उन्होंने कहा मैं कर दे रहा हूँ। और सच में बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले अजवाब रह के, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि सिंगल हम लोग घर में ज़्यादा काम, मतलब क्या जाओगे फिर बैठोगे क्या, हाँ अल्लाह बैठा दें, बैठो पैर खोलो दोनों पैर, पैर एक इधर एक उधर, गुड बॉय, हाँ हाँ जाओ। ये क्या ये है, बूंद बूंद दवा मिलती है, मतलब इसकी 20 ड्रॉप पीनी है, और डॉक्टर ने फाइनली मुझे सीरप भी दे दिया है। ये दवा है बेटू जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा है, आपने पीना इसको, हाँ इसमें दवा थी, ये वाला लो, ये लो,